नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया को रोजाना लोग अलग अलग तरीकों से ट्रोल करते रहते हैं। गोदी मीडिया के एंकरों की रोजाना लोग अलग अलग तरीके से फजीहत करने का काम करते हैं, ताकि किसी दिन तो उनका जमीर जाग जाए, किसी दिन तो वो लोगों के लिए पत्रकारिता करने का काम करे, किसी दिन तो वो लोगों के सवाल पूछे, किसी दिन तो सत्ता से सवाल पूछे। लेकिन गोदी मीडिया है कि बाज नहीं आता, और इसीलिए जो है लोग नए नए तरीके अपना करके उनको जगाने का, उनको आईना दिखाने का, उनको लताड़ने का काम करते रहते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। एक ही ट्विटर यूजर है और उन्होंने वीडियो शेयर किया है, और इस वीडियो के अंदर जो है सबके सब गोदी मीडिया के जितने भी नामचीन चेहरे हैं, उन सबके सबके चेहरे हैं और उनके फोटो लगा करके एक व्यंग के तौर पर, एक हास्य के तौर पर जो है एक वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो आप देखिए। हम भी ये वीडियो केवल इस बात के लिए दिखा रहे हैं कि देखिए लोग अब किस तरह से इनका विरोध कर रहे हैं। एक व्यंग के तौर पर, एक मजाक के तौर पर इसको आप लीजिए। किसी की भावनाएं निजी तौर पर आहत करने वाली बात नहीं है, उनके भी घर परिवार है, उनकी भी निजी जिंदगी है। लेकिन सोच करके देखिए कि उनके हाथों में इस वक्त में वो पावर है, वो शक्ति है कि वो आम लोगों का जीवन बदल सकते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए सवाल नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए आम लोगों का गुस्सा फूट रहा है, वो फूट रहा है। ये देखिए, एक चैनल है न्यूज 18, और उस न्यूज 18 के चैनल पर जो है एक शो आता है, डिजिटल दंगेबाज यूएपीए इलाज, ये कहा जाता है। जब त्रिपुरा में जो घटना हुई उसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाई, और उसको लेकर के त्रिपुरा की डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने 102 लोगों पर यूएपीए लगा दिया, और उसमें 102 में से 99 मुसलमान थे। लेकिन उसको लेकर के सरकार से सवाल पूछने की बजाय ये मीडिया वाले क्या कहते हैं, डिजिटल दंगेबाज यूएपीए इलाज, ये गोदी मीडिया कह रही है। जबकि रवीश कुमार जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, रवीश कुमार ने इसी शो को, इसी घटना को किस तरह से चलाया, ये देखिए रवीश कुमार का। यूएपीए एनएसए पीएएसए एनडीपीएस ये कानून है या फंसाने की बेड़िया है। ये रवीश इस बात को कह रहे हैं कि ये जो कानून बना करके रखे हुए हैं, ये कानून है या लोगों की आवाज बंद करने की एक जो है चाबी सरकार के पास में है, कि जिसको चाहे उसको डब्बे में बंद कर दिया, उसको ताला लगा दिया। सच्चाई तो ये है कि जब आप 102 लोगों के ऊपर ट्विटर पर केवल ट्वीट करने भर से कि त्रिपुरा जल रहा है, ये ट्वीट आपने कर दिया, तो इस ट्वीट करने से जो है आप यूएपीए लगा देते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि आप ये सरकार से साथ, सरकार के साथ में बैठे हैं या लोगों के साथ में बैठे हैं। फिर लोग आपका इसी तरह से मजाक उड़ाते हैं। एक और आप देखिए, इनको पाकिस्तान की महंगाई दिखती है, आज तक चैनल का ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। पाकिस्तान में टमाटर महंगे हो तो इनको दिक्कत हो जाती है, पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल महंगा हो तो इनको दिक्कत हो जाती है, मानो कि इनके खाने पीने की सप्लाई जो है वो पाकिस्तान से हो रही हो। और यहां पर अगर कुछ होता है महंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये बता दीजिए, गोदी मीडिया के जितने भी नामचीन चेहरे हैं, रूबिका लियाकत आप देख लीजिए, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, कितने ये लोग हैं जिन्होंने एक बार भी पेट्रोल पंप पर जाकर के इसका भी सवाल उठाया हो, एक बार भी कभी पेट्रोल पंप पर कुछ जाकर के कोई बहस की हो कि हाँ हम इस पर बहस करेंगे कि 120 रुपए तक डीजल पेट्रोल इस देश में कैसे हो सकता है, लेकिन उस पर बहस नहीं होती है। अब देखिए एक और देखिए, आप स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें ऊपर लिखा है अमीश देवगन का है, कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है। अब आप बताइए कि ये जो है सोशल मीडिया पर खूब चलता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके सब तो हिंदू है। अगर मान भी लिया जाए, वैसे सरकार में जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता निजी तौर पर, जो संवैधानिक पद पर बैठ गया उसका अपना कोई निजी धर्म नहीं होता, वो जनता के लिए काम करता है, सब धर्मों के लिए काम करता है, वो किसी पर्टिकुलर एक धर्म से बंधा हुआ नहीं होता है। उसका अपना निजी धर्म उसके घर में जरूर हो सकता है, लेकिन सरकार के जब दायरे में आ गया, संवैधानिक कुर्सी पर जब बैठ गया, तो उसका अपना कोई धर्म नहीं है, संविधान ही उसका धर्म है। लेकिन देखिए कैसे कह रहे हैं, और कश्मीर में जिहाद के खिलाफ ये कभी नहीं पूछेंगे कि कश्मीर में अब कौन किसके हाथ में कानून की जिम्मेदारी है, उस पर कोई सवाल नहीं करते हैं। एक और आप देखिए इसके साथ साथ, किस तरह से इन लोगों ने ऐसे ही जो है वो माहौल बनाया है। एक ये मिस्टर फिक्स्ड के नाम से जो है एक ट्विटर यूजर है, और उन्होंने रूबिका लियाकत का एक ट्वीट, उसको कट करके जो है वो अपनी तरह से फिक्स किया है। इसमें रूबिका लियाकत ने लिखा था, ये पाकिस्तान क्रिकेट, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर
हसन अली के खराब प्रदर्शन के लिए सिया होने और उनकी पत्नी के मुस्लिम भारतीय होने को जिम्मेदार बता रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गजब बेतुका मुल्क है, जहालत और जहालत कूट कूट के भरी है, ये इन्होंने कहा। जबकि मोहम्मद शमी की जब बात आई थी तब इन लोगों का इस तरह से खुल करके ये ट्वीट नहीं आया था कि जो लोग मोहम्मद शमी को ये बात बोल रहे हैं, विराट कोहली को ये बात बोल रहे हैं, तब उनका ये ऐसा ट्वीट नहीं दिखता है। और इसीलिए जो इन्होंने काट करके लिखा कि ये शाखा वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खराब प्रदर्शन के लिए उनके मुस्लिम होने को जिम्मेदार बता रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गजब बेतुका संगठन है, जहालत कूट कूट के भरी है। तो ये जो है लोगों का गुस्सा है। एक और आपको दिखाते हैं, कंगना रनौत जो है वो टीवी पर बैठ करके खुलेआम, वो लाइव बैठ करके एक शो में और खुलेआम कहती है कि इस देश की आजादी को मैं भीख मानती हूं, और एंकर जो है वो ठाके लगा करके हंसती है, नविका कुमार जो है वो ठाके लगा करके हंसती है, और दो दिन बाद में फिर टाइम्स नाउ कहता है कि हम इस बात को बढ़ावा नहीं देते, हम मानते हैं कि कंगना ने जो कहा है वो देश के शहीदों का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, फिर ये बात कहते हैं। आप ये बताइए कि आपके शो पर जब बैठी थी, जब आपके शो पर ये बात कह रही थी, और जब आपकी कोई नॉर्मल एंकर नहीं थी, आपकी प्रधान संपादक वो उस समय पर होस्ट कर रही थी उस प्रोग्राम को, और वो ठाके लगा करके हंस रही थी, उसने कोई आपत्ति नहीं जताई उस सवाल के, उनके जवाब के ऊपर, उस पर सवाल उठाना चाहिए था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन तब कुछ नहीं कहा गया। एक और ट्वीट आप देखिए, इसी तरह से स्क्रीनशॉट है ये भी, आचार्य प्रमोद ने अभी जब पाकिस्तान के साथ में जो है वो हार हुई थी तब उसको लेकर के ट्वीट किया था कि हार की जिम्मेदारी टीम इंडिया की और जीत का श्रेय मोदी जी को जाता है, ये उन्होंने व्यंग कसते हुए ट्वीट किया था। और इस पर अमीश देवगन का ट्वीट आप देखिए, फिर उसके बाद एक और दिखाते हैं इनका, आचार्य जी हार भारत टीम की है, बीजेपी या मोदी की नहीं है। सही बात है, आप जो कह रहे हैं अमीश देवगन जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरा एक ट्वीट आप देखिए, ये ट्वीट इनका 5 सितंबर का इनका ये ट्वीट है, और इसमें ये जो है वो पैरा ओलंपिक में जिस तरह से हमारे मेडल आए थे उसके लिए इन्होंने क्या लिखा था, नीचे आप लाल लाइन से ये जो है रेखांकित किया हुआ है, इसमें देखिए आप, लेड बाय नरेंद्र मोदी एंड टीम। जब पैरा ओलंपिक में हमारे मेडल आते हैं तो आप इसका श्रेय जो है नरेंद्र मोदी को देते हैं, और जब पाकिस्तान के हाथों विराट कोहली की टीम हार जाती है तो फिर कहते हैं कि भारत की हार है, ये मोदी या बीजेपी की हार नहीं। तो ये जो है दोहरा चरित्र, ये दोहरी बातें जो है इनकी, आज इनको इस मुआयने पर लाकर के इनको खड़ा कर दिया है कि लोग अब इनको तरह तरह से जलील कर रहे हैं। वाकई जो किसी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता है, इन लोगों का भी अपना परिवार है, इनकी भी अपनी निजी जिंदगी है, लेकिन सोच करके देखिए ये लोग कैसे अपने घरों में चले जाते हैं, कैसे अपने बच्चों से बात करते होंगे, क्या इनके बच्चे नहीं पूछते हैं कि मेरे स्कूल में, मेरे सोसाइटी में सब लोग महंगे डीजल पेट्रोल के लिए बात कर रहे हैं, आप लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, आप लोग उल्टा पूछते हैं राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए। भैया राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई पेट्रोल मंत्री है? राहुल गांधी पर सवाल पूछेंगे? तो इसीलिए लोग जो है इनको लताड़ रहे हैं। बहरहाल इस खबर को आगे पहुंचाइए ताकि लोग जो है देख सके कि कैसे लोग अब गोदी मीडिया का विरोध करते हुए उनको कैसे कैसे आईना दिखा रहे हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।